पॉल कर्न जब वर्ल्ड वार वन में रशिया के खिलाफ युद्ध लड़ रहे थे, तब उनके दुश्मनों ने उन्हें सर पर गोली मार दी, जिसके वजह से उनका ब्रेन इस हाथ तक डैमेज हो गया, जिनके कारण वो 28 साल यानी कि 28 ईयर्स तक बिना सोए रह पाए। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? एक आदमी बिना सोए 2-3 दिन नहीं बल्कि 28 साल तक कैसे जिंदा रह पाया, यही जानेंगे आज के इस वीडियो में। 1915 में जब पॉल कर्न ईस्टर्न फ्रंट में जंग लड़ रहे थे, तभी उनके दुश्मनों ने उनके सर पर गोली मार दी। पॉल को इमीडिएटली लैम्बर्ग हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। वहां डॉक्टर्स ने उनके सर में से उस बुलेट को निकाला और उनकी जान बच गई। इस हादसे के बाद पॉल सो नहीं पा रहे थे। वो बिस्तर में लेटकर सोने की कोशिश तो करे पर उन्हें कभी नींद नहीं आती थी। ये खबर चारों तरफ फैलने लगा और पूरे यूरोप से डॉक्टर्स आने लगे। उन पर रिसर्च करने के लिए कई कोशिशों के बावजूद ये पता नहीं चल पाया कि उन्हें नींद आखिर क्यों नहीं आती। कुछ डॉक्टर्स का मानना है कि उस हेडशॉट की वजह से पॉल के दिमाग का वो हिस्सा डैमेज हो चुका था जिससे नींद और रिप्लेनिशमेंट की ज़रूरत है। इस इंजोरी के बाद पॉल बुडापेस्ट चले गए, जहां उन्होंने पेंशन डिपार्टमेंट में काम किया और फाइनली मार्च 1943 में उनकी डेथ हो गई। पॉल कर्न की ये घटना आज भी एक रहस्य है।